नमस्ते दोस्तों, गाड़ी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग खड़े हैं इस फोर किंग्स के सामने, जिसका नाम है हीरो वर्सेस होंडा वर्सेस टीवीएस का। और ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और इसका आज हम फुल रिव्यू करेंगे और कंपेयर करेंगे। यूट्यूब में पहली बार चार स्कूटीज़ को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, मज़ा आ जाएगा बहुत। गाड़ी जोन की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबा के अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर दें कि आपको पता चल जाए कि मैंने अपनी नई वीडियो कब डाली। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हीरो जानी जाती है अपनी स्टाइलिश लुक और ग्रेट परफॉर्मेंस के साथ। हीरो माइस्ट्रो एज और हीरो डुएट के सामने, और ये होंडा एक्टिवा 5G जो लेटेस्ट है 2018 वेरिएंट। इसमें आपको 7 कलर ऑप्शन अवेलेबल है और होंडा एक्टिवा होंडा की सबसे बेस्ट और हॉट सेलर स्कूटी आप कह सकते हैं। होंडा एक्टिवा जानी जाती है अपनी स्मूथ राइड और ग्रेट परफॉर्मेंस के साथ। और टीवीएस इंडियन ब्रांड जो इंडिया की सेकेंड मोस्ट सेलिंग स्कूटी है टीवीएस की, ये बहुत पंची स्कूटी है हाई एंड परफॉर्मेंस में, और इसका एक्सेलेरेशन पावर इन तीनों से बहुत बेटर है और बहुत कंफर्टेबल भी है ये स्कूटी। बैक से आपको चारों गाड़ियों का लुक जबरदस्त है, सब एक से बढ़कर एक है। माइस्ट्रो एज में LED टेल लैंप यूज हुआ है, और यहाँ हीरो डुएट में आपको हेलोजन लैंप यूज़ हुआ है जो शार्क फेस टाइप का शेप है, और यहाँ आपको एक्टिवा 5G में हेलोजन लैंप यूज़ हुआ है जो 3 वेरिएंट्स में सेम आ रहा है 3 इयर्स से, 3G 4G और 5G। और यहाँ आपको TVS जुपिटर में भी आपको सेम LED लैंप यूज़ हुआ है, इंटीग्रेटेड LED आप बोल सकते हैं। बैक से चारों गाड़ी आपको यूनिक फीचर्स लगेगी और ज़बरदस्त लुक के साथ। परफॉर्मेंस वाइज दे आर 4 स्टैंड्स इन बिटवीन देम। माइस्ट्रो एज के साथ आपको मिलेगा टाइटेनियम कोट के साथ साइलेंसर, और डुएट में आपको मिल जाएगा स्लीक साइलेंसर जिसमें फाइबर फिनिश है, फाइबर का प्लेट लगा हुआ। और एक्टिवा 5G में आपको सेम साइलेंसर मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको प्लास्टिक का कोट के साथ, और यहाँ आपको जुपिटर में CVTI बैजिंग के साथ स्टील का प्लेट मिलेगा साइलेंसर में। माइस्ट्रो एज में आपको 2 मॉडल्स अवेलेबल है, ZX और VX। ये VX मॉडल देख रहे हैं, VX में आपको सिंपल कलर मिल जाता है विथ सम ग्राफिक्स, और ZX में आपको ट्विन कलर, डुअल टोन कलर जिसको बोलते हैं आप, वो मिलेगा। डुअल टोन में भी 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, रेड ब्लैक और वाइट ब्लू। और हीरो डुएट में आपको 2 मॉडल अवेलेबल है, LX और VX। LX में आपको सिंपल नो 3D लोगो और ग्राफिक्स नहीं मिलेगा, और ये आप LX और VX मॉडल देख रहे हैं। VX में आपको क्रोम मिल जाएगा और 3D लोगो के साथ ग्राफिक्स। और एक्टिवा 5G में आपको 2 मॉडल अवेलेबल है, स्टैंडर्ड और डीलक्स। ये डीलक्स मॉडल देख रहे हैं, डीलक्स में आपको डिजिटल स्पीड मीटर मिल जाता है। जुपिटर में आपको 4 वेरिएंट्स अवेलेबल है, स्टैंडर्ड, ZX, मिलियनर और क्लासिक एडिशन। और ये आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट। स्टैंडर्ड में आपको शुरुआत से ही अलॉय व्हील मिल जाएगा जुपिटर में, जो एक्टिवा और डुएट में अलॉय व्हील का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। माइस्ट्रो एज में लेकिन अलॉय व्हील मिल जाता है। और मिलियनर जो आपको एक्सट्रीमली कॉस्ट पड़ जाएगा 68,000 रुपीज़। और जुपिटर अब नया मॉडल अवेलेबल निकाला है, ग्रैंडे जुपिटर का, जिसमें आपको एक्टिवा जैसा 3 LED लैंप विथ डिजिटल डिस्प्ले स्पीडोमीटर। गाड़ी में आपको 3D लोगो मिल जाएगा, माइस्ट्रो एज लिखा हुआ, और यहाँ डुएट भी लिखा हुआ 3D में, और एक्टिवा 5G, और यहाँ जुपिटर। माइस्ट्रो एज
हीरो डुएट और जुपिटर में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा बात है। और एक्टिवा 5G में आपको सीट को खोलना पड़ेगा। माइस्ट्रो एज में आपको यूनिट स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिल जाएगा 10 इंच के एलॉय व्हील के साथ। और डुएट में आपको स्पोक व्हील मिल जाएगा सेम सस्पेंशन सेटअप के साथ। और एक्टिवा 5G में आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन सेटअप मिलेगा 10 इंच के टायर के साथ। और आपको TVS में 12 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे विथ हाइड्रोलिक स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन सेटअप के साथ। आइए इन दोनों का सीटिंग पोजीशन जानते हैं। चारों का सीटिंग पोजीशन सेम है 2-ज़ोन सीटिंग पोजीशन के साथ, लेकिन मोर कंफर्ट और बेस्ट राइडेबिलिटी आपको जुपिटर में मिलेगा, क्योंकि जुपिटर का सस्पेंशन सेटअप बहुत सॉफ्ट है और उसका सीट का कुशनिंग भी बहुत सॉफ्ट है। लेग रूम भी आपको चारों का डिफरेंस मिलेगा। माइस्ट्रो एज में आपको थोड़ा कम लेग रूम मिलेगा, लेकिन डुएट में आपका लेग रूम ठीक रहेगा। और एक्टिवा 5G का भी लेग रूम बहुत अच्छा है। जुपिटर में आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलता है, क्योंकि जुपिटर एक कॉम्पैक्ट साइज में आती है और जुपिटर का कर्व वेट 108 kg है, इसलिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है। TVS जुपिटर, एक्टिवा 5G, हीरो माइस्ट्रो एज और हीरो डुएट चारों ही हॉट सेलर स्कूटी है, इंडिया में सब पसंद करते हैं और आपको ये चारों गाड़ी कहीं ना कहीं दिख जाएगी। और अगर आपको एक कंफर्ट स्कूटी चाहिए तो आप TVS जुपिटर को ले। अगर आपको वाइट HID लाइट, LED DRLs और एक स्मूथ इंजन, स्मूथ राइड चाहिए तो आप एक्टिवा 5G को ले। और अगर आपको एक स्टाइलिश बॉडी, सडन पिकअप और बेहतर हैंडलिंग चाहिए तो आप हीरो माइस्ट्रो एज और हीरो डुएट को ले, क्योंकि हैंडलिंग वाइज हीरो बहुत अच्छी है। आइए इन दोनों का बूट स्पेस पता करते हैं। माइस्ट्रो एज में आपको 22 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा और 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इसमें आपको लाइट मिल जाएगा और एक चार्जर सॉकेट। हीरो का एक खास बात यह है कि आपको चार्जर सॉकेट शोरूम से मिलता है, जो होंडा प्रोवाइड नहीं करता। और डुएट में भी आपको 22 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा और 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक विथ लाइट एंड चार्जर। एक्टिवा 5G में आपको 18 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा और 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इसमें लेकिन आपको लाइट नहीं मिलेगा, सिर्फ चार्जर का स्लॉट मिलेगा। आपको आफ्टर मार्केट चार्जर स्लॉट पुट करना पड़ेगा। लेकिन जुपिटर का बूट स्पेस थोड़ा वाइड है, डीप उतना नहीं है। इसमें आपको 18 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो बहुत कम है, और 5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। 300 किलोमीटर क्लेम करता है फुल करने के बाद, टैंक फुल करने के बाद 300 किलोमीटर जुपिटर रन कर पाएगी। माइस्ट्रो एज में आपको दो हुक मिल जाएगा और एक चोक मिल जाएगा। ये चोकलेस स्कूटर नहीं है और ये BS4 है और विथ AHO, तो हेडलैम्प का स्विच नहीं मिलेगा। डुएट में भी आपको सेम दो हुक मिल जाएगा और एक चोक मिल जाएगा, और ये BS4 है बट AHO नहीं है, इसमें हेडलैम्प ऑन का स्विच है। और एक्टिवा 5G 2018 में आपको दो हुक मिल जाएगा और एक चोक मिल जाएगा, और मॉडर्न इग्निशन स्लॉट के साथ। लेकिन जुपिटर एज में आपको दो हुक और एक चोक मिलेगा, और इसमें आपको दो इंटीरियर का ऑप्शन है, एक बेज ट्रीटमेंट और ये एक ब्लैक ट्रीटमेंट। आप अपने डिसीजन से ले सकते हैं। आइए माइस्ट्रो एज को ऑन करके देखते हैं। ऑन करने से इसका मीटर स्टार्टअप लेता है और यहाँ आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर और ब्लिंकर्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और यहाँ आपका डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा फ्यूल का, और इसमें आपको सर्विस रिमाइंडर और इंजन इमोबिलाइजर। ये गाड़ी अपनी की से स्टार्ट होगी, डुप्लीकेट की नहीं यूज करेगा ये गाड़ी। और हीरो डुएट में भी आपको सेम इग्निशन स्लॉट मिल जाता है जैसे माइस्ट्रो एज में लगा हुआ था। और इसका की में भी इमोबिलाइजर लगा हुआ है और सर्विस रिमाइंडर आपको इसमें भी मिलेगा, और इसमें भी आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा और साइड स्टैंड इंडिकेटर आपको डुएट में भी मिलेगा, जो बहुत खास बात है। हीरो की सारी गाड़ी में आपको सेफ्टी फीचर ये लगा हुआ मिलेगा। लेकिन
एक्टिवा 5G में आपको मॉडर्न इग्निशन इग्निशन स्लॉट मिलेगा। होंडा की सारी गाड़ी में अब यही इग्निशन स्लॉट यूज हो रहा है। आप सीट को वहां से खोल सकते हैं, ये ऑन का, यहां से सीट का प्रेस करने से सीट खुल जाएगा, और इसको ऑन करने से ये भी एक स्टार्टअप लेता है इसका मीटर, और इसमें भी आपको सर्विस रिमाइंडर है। लेकिन इंजन इमोबिलाइजर होंडा नहीं प्रोवाइड किया है, लेकिन एक यूनिक फीचर डाला है कि गाड़ी जब 40-50 में रहेगी तो आपको इको मोड शो करेगा, आपकी गाड़ी इकोनॉमी शो करेगी। लेकिन जुपिटर में आपको सिंपल इग्निशन स्लॉट मिलेगा, सिर्फ ऑन ऑफ और लॉक का स्विच है, और सिंपल सा आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, डिजिटल इसमें कुछ नहीं हुआ, और इसमें आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, बैटरी लो और हाई बिन लो बिन का नोटिफिकेशन शो करेगा, और इसमें पावर और इको मोड भी शो करता है। टीवीएस की सारी गाड़ी में ये नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। जुपिटर में आप इसका बूट और फ्यूलेट बाहर से खोलें, लेफ्ट मोड़ेंगे तो इसका फ्यूलेट खुलेगा और राइट मोड़ेंगे तो इसका बूट खुल जाएगा। एच का इंजन वेरिफिकेशन जानते हैं। माइस्ट्रो एज में आपको 110 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिल जाएगा, जो प्रोड्यूस करता है 8 bhp एंड 8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ये ब्लैक पिस्टन कवर के साथ। और हीरो डुएट में आपको 111 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिल जाएगा, जो प्रोड्यूस करता है 8.3 bhp और 8.3 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये थोड़ा पेपी इंजन है माइस्ट्रो एज से कंपेयर करने के बाद। इसमें भी आपको ब्लैक इंजन कवर मिलेगा। और एक्टिवा 5G में आपको 109.9 सीसी पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करता है 8 bhp और 9 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और ये फैन कूल्ड इंजन है। ये थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है माइस्ट्रो एज से। और जुपिटर में आपको 110 सीसी पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 7.8 bhp और 8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, लेकिन इसका परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा पेपी इंजन है, और ये सडन पिकअप बहुत जल्दी प्रोवाइड करता है जुपिटर। जुपिटर में आपको ब्रॉड हेलोजन लैंप मिल जाएंगे विद पार्किंग लाइट, और आगे में आपको वेंट्स मिल जाएंगे और डिजाइन के साथ एयर फ्लो के लिए, और इसमें आपको NSYNC ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, TVS का ब्रेकिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। और सारी गाड़ी में, चारों गाड़ी में अपना अपना ब्रेकिंग सिस्टम है। होंडा में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, और ये आपका LED वाइट लाइट, और यहाँ सिंपल मॉडल डिजाइन में आपको एक्टिवा 5G मिल जाएगा विद ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ क्रोम में। और हीरो डुएट में आपको ग्राफिक्स मिल जाएगा, हीरो डुएट मिक्सचर है माइस्ट्रो एज और प्लेजर का, इसलिए आपको आगे में आपको ब्रॉड हेलोजन लैंप और यहां आपको क्रोम ट्रीटमेंट वी शेप में। बहुत स्कूटी को बहुत एलिगेंट लुक दे रही है, और सिंपल लुक में हीरो डुएट में ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं यूज हुआ है, लेकिन हीरो माइस्ट्रो एज आपको एक फ्रेश और एक रेट्रो लुक में मिलेगा। आपको वी शेप डिजाइन मिल जाएंगे हीरो माइस्ट्रो एज में, और यहां पे भी आपको साइड स्कर्ट्स मिलेंगे। ब्लिंकर भी इसका शार्क फिन टाइप का है, और इसका इसमें भी आपको पार्किंग लाइट मिलेगा और विथ हेलोजन लैंप के साथ। LED वाइट लाइट नहीं मिलेगा, सिर्फ होंडा में आपको सारी गाड़ी में LED वाइट लाइट मिल रहा है, और TVS ग्रैंडे में भी आपको LED वाइट लाइट अवेलेबल है। चारों गाड़ी अपनी परफॉर्मेंस और अपनी एबिलिटी में स्टैंड बाई करती है। अगर आपको एक मेटल बॉडी, वाइट प्रोजेक्टर सेटअप, सिंपल सा स्कूटी और स्मूथ राइड चाहिए तो आप एक्टिवा 5G को ले। अगर आपको एक कंफर्ट राइड और रिलायबल स्कूटी चाहिए तो आप TVS जुपिटर को ले, इसमें भी आपको मेटल बॉडी मिल जाएगा। और अगर आपको हीरो में मेटल बॉडी चाहिए तो आप डुएट को ले, नहीं तो अगर आपको एक पेपी इंजन, स्पॉटी लुक और फ्रेश लुक के साथ चाहिए तो आप माइस्ट्रो एज को ले, क्योंकि इसमें आप हीरो का भरोसा रहेगा और आपको
गाड़ी को भगाने में भी बड़ी मजा आएगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।